वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। तो इन द लास्ट पार्ट हमने देखा था कि केसर मैंगो कहाँ पे होती है और वहाँ कौन से जिले में होती है, ये हमने देखा था। फिर मैंगो के शेप कैसे होता है, फिर मैंगो के शेप के डिज़ाइन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस तरह से हमने थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो अब हम देखेंगे, आपको पता है पहले मैंगो किस तरह तोड़ते थे, गांव के विलेज के बच्चे किस तरह से मैंगो तोड़ते हैं, वो सब क्या करते हैं, ये होता है पत्थर, स्टोन से स्टोन मारते थे पेड़ के ऊपर और मैंगो तोड़ते थे। इससे क्या होता था कि किसी बच्चे को लग जाता था स्टोन, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती थी, झगड़ा हो जाता पेरेंट्स में। और अभी ऐसा होता है कि ये सब कहाँ पे मिलता था हमें देखने के लिए, विलेज में। अभी इस तरह से होता है क्या? नो, अभी तो यहाँ पे हमें ट्री भी बहुत कम देखने को मिलते हैं और इस तरह से कोई तोड़ता भी नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए नीचे दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर ऑफ मैंगोज गिवन बिलो। मैंगो लुक्स मोर ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स, ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर्स ऑफ मैंगोज एज गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे मैंगो के पिक्चर्स दिए हुए हैं, देखिए बच्चों ने ड्रॉ किए हुए, किस तरह से ड्रॉ किया है बच्चों ने, ये देखिए माँ कितना फाइन ऐसे बनाया है, और ये यहाँ इसके साथ ऐसे पत्ता है, उसको देखो आईज बनाए हैं, फिर उसको स्माइली फेस बनाया है, देन यहाँ पे छोटे छोटे हैंड्स भी बताए हैं। तो इस तरह से बच्चों ने ये देखिए किस तरह से मैंगो ड्रॉ किए हैं, और लीफ के साथ कितने फाइन लग रहे हैं, खाली मैंगो के बजाय लीफ दिए इसके साथ तो कितने मस्त लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंगो के पिक्चर आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी ड्रॉ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 60 लाख टन्स मैंगोज एवरी ईयर। अपने इंडिया में नियर अबाउट मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली कितने मैंगोज होते हैं एवरी ईयर, 1 करोड़ 60 लाख टन मैंगो होते हैं। वन टन का मतलब कितना होता है, 1000 kg, 1000 kg इसका, जितने वन टन का मतलब होता है 1000 kg। तो सोचिए आप 1 करोड़ 60 लाख टन का मतलब कितने सारे मैंगोज हो गए एवरी ईयर में अपने इंडिया में। और इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मैंगोज होते हैं, और इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगोज होते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो? द बिगेस्ट मैंगो वेटिंग इज़ 3.435 kg वॉज डिस्प्ले इन फिलीपींस। आपने बड़ा मैंगो देखा है, बिग मैंगो, सबसे बिग नहीं बिगेस्ट मैंगो जो कहाँ पे पाया जाता है, फिलीपींस में, और उसका वेट कितना होता है, 3.5 kg का, 3 kg and 435 g का उसका वेट होता है, 12 inch का इसकी इतनी लेंथ, सॉरी इतने kg का वो मैंगो होता है। और उसकी लेंथ कितनी होती है, 30.48 cm की उसकी लेंथ होती है, 30.48 मतलब 12 inch की उसकी ये होती है लेंथ। उसके बाद है कि 49.50 उसका सरकमफेरेंस होता है, मतलब वो सरकमफेरेंस मतलब पता है आपको, पूरा उसका जो लेंथ ब्रेथ और अंदर से जो उसका भरा हुआ है उसका सब मिला के सरकमफेरेंस उसका कितना होता है, 49.53, और उसकी ब्रेथ कितनी होती है, 17.78 cm की उसकी ब्रेथ होती है, 17.78 मतलब 7 inch की उसकी ब्रेथ होती है। फिर नीचे दिया हुआ है, जेंसी हैज़ मेड पिक्चर ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगोज। जेंसी ने देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं वो किस तरह से बनाए हैं। देखिए यहाँ पे एक बनाया है, फिर हम देखेंगे ऊपर, यहाँ पे देखिए उसने बनाए हैं मैंगो के शेप, ये देखिए उसको जैसे बनाना आया उसने वैसे बनाए हैं। नीचे देखिए, देखिए दिख रहे हैं, ये देखिए बनाए उसने, उसको जैसे लगता है उसने वैसे बनाए हैं मैंगो के शेप, देखिए बनाए हैं ना। ओके, देन इस तरह से आप भी बनाइए, आपको जैसे लगते हैं वैसे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आप मैंगो के शेप बनाकर देखिए, आपको जहाँ पे कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी में या आपके घर के कोई भी चीज़ में आपको मैंगो के शेप का कोई डिज़ाइन दिखता है तो आप उसको माइंड करिए, देखिए ड्रॉ करके देखिए। लास्ट टाइम मैंने लास्ट पार्ट में मैंने बोला था,
उसी तरह व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोज डोंट गेट कन्फ्यूज टू सी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो. आप अगर मार्केट जाएंगे तो इतने सारे टाइप के मैंगो देखने के बाद आप कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सर्च योर सेल्फ इन द मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैंगो. आपको अपने चॉइस का आपको जैसा चाहिए मैंगो आप मार्केट में ढूंढ सकते हैं, सर्च करें, फिर आप उस मैंगो को खाकर उसका एंजॉय कीजिए. नाउ ड्रॉ दिस मैंगो ऑन कार्ड पेपर और डिफरेंट. देखिए यहाँ पे कौन से टाइप के मैंगो बताए हुए, वन है हाफूस, देन केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी एंड बादाम. इतने टाइप के मैंगोज यहाँ पे वेराइटीज़ मैंगो की दी हुई है. तो आपको इसमें से कौन सा मैंगो पसंद है आप मुझे बता सकते हैं. मुझे तो यहाँ पे आपने टेस्ट कौन कौन सा किया है, मैंने तो यहाँ पे हाफूस टेस्ट किया है, देन तोतापुरी टेस्ट किया है, यहाँ पे केसर केसर तोतापुरी एंड ये वाला किया है लंगड़ो. बाकी नीचे वाले दो आम मैंने टेस्ट नहीं किए हैं, जो दशहरी एंड बादाम है, ये मैंगो मैंने टेस्ट किए नहीं. आप भी देखिए आपने कौन से मैंगो टेस्ट किया, टिक करिए उसको. ओके देन हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है मैंगो ऑर्कर्ड एंड इट्स फार्म. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्कर्ड. आपने कितने टाइप के मैंगो ऑर्कर्ड देखे. ऑर्कर्ड का मैंने लास्ट टाइम बताया था अंबावाड़े, जो मैंगो की खेती होती है उसको ऑर्कर्ड बोलते हैं, अंबावाड़ी बोलते हैं. वेयर हैव यू सीन इट, आपने देखी है. यस आपने देखी होगी तो यस आई हैव सीन, और नहीं देखी होगी तो आई हैव नॉट सीन. फिर आपने देखी है तो कहाँ पे देखी है, रियल में देखी है या टीवी में देखी है. जो टीवी में तो देखी होगी आपने, ऐसे रियल में नहीं देखी होगी. नहीं तो बहुत लोगों ने रियल भी देखी होगी, किसी के कोई रिलेटिव्स के यहाँ हो सकती है, कोई रिलेटिव्स में गांव में गए हो तो कोई किसी के यहाँ हो सकता है, नेबर्स हो किसी के यहाँ तो देख सकते हैं, या फिर टीवी में. ओके देखी होगी तो यस रियल, और नहीं टीवी में देखी होगी तो इन टीवी. देन आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक. मैंगो के ट्री लॉन्ग होते हैं और स्ट्रांग होते हैं कि शॉर्ट होते हैं और वीक होते हैं. नो मैंगो के ट्रीज टॉल और शॉर्ट स्ट्रांग होते हैं, शॉर्ट नहीं होते हैं. देन डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री टॉल ट्री. आपको पता है कि आप कैसे चढ़ सकते हैं ट्री पे, और आप चढ़ेंगे तो आपको डर लगता है ट्री पे चढ़ने के लिए. इतना ऊंचा पेड़ रहा तो ऑब्वियसली डर लगेगा, लेकिन उसकी टहनियों से हम ऊपर चढ़ सकते हैं. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री. आपको इमेजिन करना है कि आप मैंगो ट्री के नीचे खड़े हैं, बड़े वाले बहुत बड़ा सा घने से ट्री के नीचे खड़े हैं. तो कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मैंगो ट्री कितना ऊंचा होगा. यस उसकी लेंथ होती है 35 to 40 meters लॉन्ग होता है. मैंगो का ट्री कितना लॉन्ग होता है, 35 to, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 35 to 40 meters लॉन्ग होता है मैंगो ट्री. ओके इस तरह से आप लिख सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट है हमारा इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्कर्ड विद अ फार्मर. आप ऐसे इमेजिन करो कि आप फार्मर के साथ मैंगो ऑर्कर्ड में आए हैं, अंबावाड़ी में आए हैं. द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग रस्लिंग साउंड इन द जेंटल ब्रीज. हवा की वजह से उसके जो पत्ते हैं लीव्स है वो साउंड कर रहे हैं इन द जेंटल ब्रीज. ब्रीज मतलब पवन, हवा. हवा की वजह से उसके पत्ते साउंड कर रहे हैं. कुकू साउंड इन हियर फॉर अप टू मैंगो ट्री. कुकू की आवाज़ भी आती है मैंगो ट्री से. द मैंगोज ऑन ट्रीज आर स्वीविंग इन ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ब्रीज. और हवा की वजह से मैंगो की ब्रांचेस जो है वो झूल रही है, ऐसे आपको इमेजिन करना है. द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग. तो फार्मर कब वर्क स्टार्ट करते हैं मैंगो तोड़ने का, ये सब डार्क नाइट होती है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जब अंधेरा होता है तब भी. सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन बुलक कार्ड. सम फार्मर्स किस में जाते हैं, बुलक फील्ड में, बुलक कार्ड लेकर. बुलक कार्ड सबको पता है, देखिए उसमें बुलक होते हैं, पीछे ऐसा सामान ले जाने के लिए पीछे जगह होती है उस तरह से. देखिए बाजू में पिक्चर दिया हुआ है आपको बुलक कार्ड का, आप देख सकते हैं आपके बुक में, देखिए है ये पिक्चर, ये बुलक कार्ड, ये बुल ऑक्स, और ये इसको बोलते हैं कार्ड.
और इसमें हम सामान जो भी ले जाना है, मैंगो ले जाने हैं, जो भी चीज़ें ले जानी है, जनरल फार्मर्स इसी में सामान ले जाते हैं। तो बुलक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन एन आवर। तो बुलक कार्ट कितना चलता है 1 आवर में, तो 4 किलोमीटर। आप पैदल चलेंगे तो आप कितना चल पाएंगे, बुलक भी चलते ही है ना, ये गाड़ी तो है नहीं जो फास्ट चलेगी, इसीलिए ये तो बुलक कार्ट है, चल के जाना है। वॉकिंग डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हैं, तो बुलक कार्ट जो है वो 4 किलोमीटर इन एन आवर में क्रॉस करते हैं। तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में क्रॉस करते हैं तो 10 किलोमीटर में कितने, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि है 4 किलोमीटर, वो कितने 4 किलोमीटर वो कितने आवर में जाता है, 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर वो कितने आवर में जाएगा, 2 आवर में जाएगा, डबल करेंगे इसका भी। फिर कितने बचे हमारे पास, 2, तो ये 4 किलोमीटर 1 आवर में जाता है, तो 2 किलोमीटर कितना जाएगा, तो इसके हम हाफ़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हाफ आवर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर इन 1 आवर, देयरफॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5। मतलब उसको 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे। ओके, 2.5 आवर्स को लगेगा। देन नेक्स्ट है नीचे, गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें चलना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो बुलक कार्ट से हमारी स्पीड ज़्यादा हो सकती है क्या, तो जिस तरह से हमारी स्पीड रहेगी उस तरह